पृथ्वीराज जैसे हाई कैलिबर एक्टर की एक्टिंग, डीएनईजी के वीएफएक्स और अली अब्बास जफर की डायरेक्शन, ये तीन चीजें हैं। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और बड़े मियां छोटे मियां का फाइनली टीजर ड्रॉप हो चुका है। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, टाइगर श्रॉफ भाई साहब का और अक्षय कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, स्पेशली टाइगर श्रॉफ का एक्शन फिल्मों में ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, मुझे इस फिल्म से ज्यादा उम्मीद थी नहीं, लेकिन एक ही चीज से उम्मीद थी और वो है अली अब्बास जफर जो इस फिल्म के हैं डायरेक्टर। तो क्या क्या मुझे अच्छा लगा बीएमसीएम के टीजर में और कहां कहां पे इन लोगों ने बड़ी ही चालाकी से बहुत सारे फास्ट कट्स लगा के बहुत सारी खामियों को चलता कर दिया इस टीजर में, इन सब के बारे में बात करेंगे आज। Honestly saying, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस टीजर में दिखाई गई वीएफएक्स की झलकियों की। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, एटलीस्ट जो वीएफएक्स की झलकियां इन्होंने इस टीजर में दिखाई हैं, मुझे वो बुरी नहीं लगी, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि मुझे वो कुछ खास बहुत ज्यादा एक्सेलेंट या आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं लगी। टीजर के ओपनिंग शॉट में इन्होंने लोकेशन में बहुत अच्छी तरह वीएफएक्स को मर्ज किया है। कैरियर ट्रक में ये वाले सोल्जर्स जो बैठे हुए हैं, ये वाला शॉट मुझे काफी अच्छा लगा। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि इन्होंने एक्चुअल चॉपर्स, मिलिट्री ट्रक्स और हेलीकॉप्टर्स यूज करे हैं मल्टीपल शॉट्स में। इस फिल्म के वीएफएक्स को लेकर मैं काफी होपफुल इसलिए भी हूं क्योंकि इसके जो विजुअल्स और वीएफएक्स कर रहे हैं वो करे हैं डीएनईजी स्टूडियो ने, जो वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग एनिमेशन स्टूडियोज है। बट देन अगेन, ये लैब क्या है भाई, गणपत 2 लग रही है ये। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब भी हाईफाई साईफाई चीजों के बारे में बात करी जाती है तो ये चमक धमक वाली डिस्को लैब क्यों बना देते हैं हर हर पिक्चर के अंदर, और ये गुप्ता एंड सन ज्वेलरी वाले से कहां से मैनिक्विन खरीद के लाए हैं ये चमकता हुआ चांदी का। तो भैया ओवरऑल वीएफएक्स की बात करी जाए तो एटलीस्ट जितना थोड़ा बहुत इन्होंने यहां पे दिखाया है, इन्होंने बहुत ही चतुराई से जहां पे भी पकड़े जा सकते थे ये कि यहां पे भैया बहुत ही पुअर ग्रेड वीएफएक्स करे हुए हैं इन्होंने, उन शॉट्स को इन्होंने बड़े ही फास्ट कट्स में लगा के आगे बढ़ा दिया, विच इज ऑल्सो फाइन। लेकिन अब ट्रेलर में मेरे को देखना है कि क्या होगा। अभी तक तो वीएफएक्स मेरे को 50-50 लग रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं है और बहुत ज्यादा खराब भी नहीं कहूंगा मैं इनको। पृथ्वीराज को ऐसा ब्लैक कलर का चमकता हुआ लेदर का ट्रेंच कोट दे दिया कि कुछ कुछ शॉट्स में तो अगर पीछे भी मुड़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है क्रिश 4 है ये। और इंडिया की कौन सी स्पेशल फोर्स के पास ऐसे बॉडी आर्मर है भाई। इस शॉट में देखो टाइगर श्रॉफ का बॉडी आर्मर वी शेप के बनियान की तरह। अबे बॉडी आर्मर का मतलब होता है यहां गोली ना लगे, वो पूरी छाती दिखा रहा है अपनी बॉडी आर्मर में से। फिल्म में मोस्ट लाइकली ये इंडियन स्पेशल फोर्सेस के हैं दोनों के दोनों, लेकिन इस पिक्चर के टीजर के अंदर हमने जितने भी इनके शॉट्स देखे हैं एक्टिव वॉर जोन के अंदर लड़ रहे हैं ये, लेकिन भैया इनके हेलमेट कहां है, बेसिक आर्मर में हेलमेट ही नहीं है। अबे पेंटबॉल खेलने नहीं जा रहे हो जनकपुरी। अब मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा और छोटी सी गेम है, बड़ी ही मजेदार गेम है, तुम्हारे को और मेरे को बहुत मजा आएगा इसे खेलने में, और उस गेम का नाम है स्पॉट द एक्सप्रेशन ऑन द एक्टर्स फेस। मैं तुम्हारे को कुछ शॉट्स दिखाऊंगा इस टीजर में से, स्टिल्स दिखाऊंगा उसके यहां पे लगा के, और तुम्हें ना और मेरे को उसमें स्पॉट करना है कि इनके एक्सप्रेशंस इन शॉट्स के अंदर गए तो गए कहां। ये है शॉट नंबर 1, दोनों के चेहरों पे एक रुपए का भी एक्सप्रेशन दिखा दो मेरे को, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम अप, नहीं मिला ना मेरे को भी नहीं मिला। ये है शॉट नंबर 2, दोनों के पीछे एक बम धमाका हो रहा है, दोनों बम धमाके से बचते हुए छज्जे से नीचे कूद रहे हैं, लेकिन दोनों के चेहरे देखो अब टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, एक जगह पे भी तुम्हारे को ऐसा एक्सप्रेशन मिला जहां पे ये लग रहा है कि ये बम से बच रहे हैं, नहीं ना मेरे को भी नहीं मिला। ये है शॉट नंबर 3, यहां पे इनके आसपास वाली बस्ती में आग लग गई, साथ में जीप खड़ी हुई थी वो धमाके से उड़ गई, मिसाइल चल गई, लेकिन ये दोनों आ रहे हैं सीधे गन चलाते हुए और मुंह बिल्कुल ऐसा है जैसे गन ना चला रहे हो, होली पे पिचकारी भर के किसी को मार रहे हो। कहीं पर भी तुम्हारे को ऐसा वाला एक्सप्रेशन मिला टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टाइम ओवर की ऐसा लग रहा है इनके आसपास इनकी कनपट्टी के पास से ध्वनि की रफ्तार से गोलियां निकल रही हो। एक भी कॉम्बैट के शॉट में जो भर भर के टीजर में दिखाए गए हैं, दोनों के चेहरों पे एक रुपए का एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब क्या रज के मुता है भाई, तबीयत से मुता है कुछ कुछ शॉट्स में तो। और टाइगर श्रॉफ की हर पिक्चर में ये देश और दुनिया को बचाने कहां निकल जाता है, इससे अपना करियर तो बचाया नहीं जा रहा। और अगर कहीं किसी को लग रहा हो ना कि इस पिक्चर की कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक होगी, इस टीजर के हिसाब से मैं कहानी बता देता हूं क्या होने वाली। इस वाले शॉट से ये बात क्लियर है कि ये एक सुपर विलेन को बना रहे हैं एक लैब के अंदर। अब ये कुछ चीजें उठाएंगे यूनिवर्सल सोल्जर से, कुछ चीजें उठाएंगे साइबॉर्ग से, और एक ये बना देंगे नेगेटिव कैप्टन अमेरिका जो ये छोड़ देंगे हिंदुस्तान के ऊपर। क्यों? क्योंकि इनको एक डायलॉग बनाना है कि हमारे से पंगा मत लेना, हम कौन है, हम हिंदुस्तान है। अरे भाई कोई नया टॉपिक भी ढूंढ लो यार। टाइगर श्रॉफ क्या कर लेगा पिक्चर में, ऐप चमकाएगा, टी शर्ट फाड़ देगा, चार गुलाटी यहां मारेगा, चार गुलाटी वहां मारेगा, एक बंदूक यहां से निकालेगा वहां से निकालेगा, जिम्नास्टिक की क्लास खत्म भाई अपने घर। अक्षय कुमार भाई साहब क्या करेंगे, थोड़ी सी बाइक में रेस देंगे, कहीं पे प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे उस पर से कूदा देंगे और हेलीकॉप्टर फूट जाएगा और वो कहीं ना कहीं लटक के निकल जाएंगे, बस हो गया, हो गई पिक्चर यार, कौन सी कहानी ढूंढ रहे हो तुम इसमें। तो फिल्म की कहानी और ओवरऑल एग्जीक्यूशन से मुझे कुछ खास उम्मीद है नहीं, लेकिन मुझे एक चीज देखनी है जो शायद ट्रेलर में भी क्लियर हो जाए और पूरी पिक्चर तो फिल्म देख के ही क्लियर होगी, और वो ये है जो कि मैंने हमेशा कहा है कि अगर तुम्हारी पिक्चर स्टोरी का एक मॉन्यूमेंटल एलिमेंट इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को यूज कर रही है तो वहां पे डिटेलिंग मैटर्स। अब मुझे ये देखना है कि इन लोगों ने अगर इन दोनों को, बड़े मियां छोटे मियां को, स्पेशल फोर्सेस का पार्ट बनाया है तो इन्होंने कितना कॉम्बैट पे जोर दिया है, डिटेल्स इन कॉम्बैट पे जोर दिया है, उनके गेटअप्स पे जोर दिया है, उनकी चाल डाल बोल चाल पे जोर दिया है, मुझे वो देखना है। पृथ्वीराज जैसे हाई कैलिबर एक्टर की एक्टिंग, डीएनईजी के वीएफएक्स और अली अब्बास जफर की डायरेक्शन, ये तीन चीजें हैं जो सिंगल हैंडेडली इस पिक्चर को बचा सकती हैं। अगर तुम्हारे
कुमार को ये लग रहा है ना कि इसमें ये देखने को मिला कि टाइगर श्रॉफ ने बड़ी पाथ ब्रेकिंग एक्टिंग कर दी या अक्षय कुमार ने कुछ नया कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भैया ओवरऑल तो मेरा दिल धक धक कर रहा है क्योंकि ये गणपत 2 निकल सकती है, लेकिन अली अब्बास जफर के चक्कर में मैं रुका हुआ हूं अभी कोई भी अपना जजमेंट देने के लिए। ट्रेलर के लिए वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और फाइनली फिर पिक्चर में पता लगेगा। तब तक के लिए बाबा मियां लज़ानिया पप्पी बाय बाय, हम मिलते हैं। तुम्हारा क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना, और साथ ही कल आ रहा है उर्वशी राउटेला का रोस्ट, उसके लिए भी रेडी रहना। फिर करेंगे फाइटर में मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।